नमस्ते दोस्तों, मैं सुमिला रावत फैमिली एंड किचन गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आगे वाली बालकोनी में आ रखी हूँ और यहाँ पर देखिए मेरा यह है मोरपंखी का पौधा मेरा लगा हुआ है और ये कहते हैं कि दो दो जोड़े में होना चाहिए, पर मेरा एक जो प्लांट था मेरा वो सूख गया था तो उसको मैंने हटा दिया। ये तो मेरा एक ही सिंगल रह गया है। नेक्स्ट टाइम जब कोई ही नर्सरी से मैं लेके आऊँगी दूसरा इसके साथ के लिए एक और देखिए कितना हरा भरा हो रखा है। यहीं पर मैं दिखाती हूँ आपको मिनी सनरोज़। ये देखिए मिनी सनरोज़ है और बरसात की वजह से देखिए इसके पत्ते कैसे डल से हो गए हैं, पर फूल इसमें खिल रहे हैं। शाम का टाइम है, इस टाइम तक फूल इसके हट चुके हैं। ये देखिए मैं दिखाऊंगी, छोटे छोटे इसमें फूल आ रहे हैं। ये देखिए यहीं पे मैं दिखाती हूँ मैक्सिमम पेटूनिया। ये देखिए इसमें भी सुबह के टाइम पर फूल बनता है, इस टाइम पर देखिए फूल हट चुका है। बहुत तेज़ धूप निकल रही है आजकल हमारे यहाँ पर दिल्ली में। और ये देखिए इसके, ये देखिए यहीं से इसके सीड्स बनते रहते हैं। ये देखिए और सीड्स नीचे गिरते हैं तो दूसरा हमारा नया प्लांट एक तैयार हो जाता है। तो ये मेरे ऐसे ही बने सीड से नीचे गमले में गिरे थे तो इसी से ही मेरे नए नए ये प्लांट मैक्सिमम पेटूनिया के मेरे प्लांट बन गए और इसमें फूल निकलते रहते हैं सुबह के टाइम पर। बहुत सुंदर, कल सुबह देखिए कितने सुंदर सुंदर इसमें फूल खिलेंगे। यहीं पर है मेरी चांदनी। ये देखिए चांदनी में भी ये देखिए कलियाँ बनी हुई हैं तो ये सुबह के टाइम पे ही खिलते हैं। इस टाइम पे देखिए, इस टाइम पे पत्ते भी इनके धूप की वजह से पत्ते एकदम नीचे की तरफ को झुक गए। ये देखिए तो ये सारे के सारे सुबह के टाइम पे मॉर्निंग में सारे खिल जाएंगे। यहीं पर ही है मेरा ये जिसमें भी कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो बारिश में भी इसका सारे के सारे पत्ते ख़राब हो जाते हैं और पत्ते एकदम नीचे डल से हो जाते हैं और नीचे गिरने लगते हैं। यहीं पर है मेरा, यहीं पे मेरी स्वीट पोटैटो वाइन है जो पहले की मेरी थी, वो मेरी सारी सूख गई थी। उसमें से ही मैंने फिर एक छोटा सा एक निकाल के इसमें लगाया था तो ये वाला हुआ है, बाकी के सारे नहीं हुए। देखिए बाकी सब सूख गए हैं और ये मेरी एक भगवान की दया से देखिए मेरा एक निकल के आ गया है स्वीट पोटैटो वाइन का और यही मेरे पास है। यहीं पर ही मेरी सनरोज़ मेरा दूसरा यहाँ पर लगा हुआ है। ये देखिए इसके, देखिए पत्ते बहुत सुंदर हो रखे हैं, जैसे ये वाला है इसके पत्ते थोड़े डल से हो रखे हैं। ये देखिए नीचे से मुरझा से रखे हैं पत्ते, तो यहाँ पे मेरे इसके पत्ते देखिए कितने सुंदर हो रखे हैं और बहुत अच्छा ये हो रखा है। यहीं पे ही मेरा मधुकामनी है। ये देखिए इसमें अभी ये मेरा मैंने लगाया था, बीज से लगा हुआ है ये मधुकामनी, पर इसमें कोई फूल वूल कुछ अभी तक नहीं निकला है। ये देखिए कोई फूल हो सकता है, इसका छोटा गमला है इस वजह से इसमें फूल नहीं निकल रहे हो। ये देखिए यहीं पे खाद भी इसमें बहुत है। ये देखिए साथ में इसके लगा हुआ है 4 o'clock, इसमें येलो कलर के फूल आते हैं। ये देखिए तो मधुकामनी में मेरा भी फूल नहीं बना है। ये देखिए और ये इतना बड़ा हो चुका है, इसमें वाइट कलर के फूल निकलते हैं जिसमें बहुत खुशबू बहुत ज़्यादा आती है। यहीं पर है मेरा सिंगोनियम रेड कलर का। ये देखिए इसकी पत्तियाँ देखिए कितनी सुंदर हैं, दिखने में बहुत सुंदर लगता है ये। ये देखिए ये मैंने हैंगिंग बास्केट में लगा रखा है और इसका एक देखिए एक टहनी इसके तरीके से लटक रही है नीचे की तरफ को, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये देखिए और दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है। यहीं पे मेरा केलिया प्लांट है। ये देखिए इसमें भी फूल आया था और शाम का टाइम है। ये देखिए फूल सारा मुरझा गया है। ये देखिए और इतना बड़ा हो गया है, देखिए नीचे से। इसके लिए भी गमला मुझे बड़ा चाहिए। ये देखिए इसमें से क्योंकि नए नए बेबी प्लांट निकलते रहते हैं यहाँ से, ये देखिए यहाँ से निकलेंगे तो ये इसके लिए भी, ये गमला भी हमारा छोटा है इसके लिए, ये वाला गमला, तो मैं इसके लिए गमला चेंज करूँगी और दूसरा गमला मैं इसको दूँगी। यहीं पे है मेरा बॉनफायर प्लांट। ये देखिए इसमें रेड कलर के फूल निकलते हैं बहुत छोटे छोटे। ये देखिए, ये देखिए कितने छोटे छोटे इसमें फ्लावर निकले हुए हैं। ये देखिए और दिखने में बहुत सुंदर लगता है जब ये पूरा एकदम पूरा कवर हो जाता है छोटे छोटे इसमें रेड कलर के फूल से, तो बहुत सुंदर लगता है देखने में। साथ में यहाँ पर मेरा, यहीं पे मेरा ये गुड़हल लगा हुआ है। ये देखिए और ये डबल पैटर्न का है। देखिए ये भी मेरे कटिंग से चल रहा है, कटिंग से मैंने लगाया था तो अभी देखिए बहुत अच्छा ये हो गया है, और बल्कि दो कटिंगें लगाई थी मेरी। ये देखिए एक कटिंग ये है और एक कटिंग ये है, दोनों कटिंग मेरी बहुत अच्छी चल रही है। फूल अभी इसमें कोई फूल नहीं निकला है। और ये देखिए कटिंग मेरी साथ साथ दोनों, ये देखिए बॉनफायर कभी मेरा इसके साथ 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 चल रहा है। एक ही गमले में मैंने दोनों पौधे लगा दिए थे तो दोनों कटिंगें मेरी साथ साथ चल रही थी और दोनों इतनी बड़ी हो गई है, इनको भी मेरे को गमला अलग अलग देना है। यहीं पे ही मेरी,
यहीं पे मेरे लालटेन की लगा हुआ है, ये देखिए सूख गया था पर इसका थोड़ा सा एक टहनी हरी थी तो ये देखिए अब ये बिल्कुल हरा भरा हो गया। ये देखिए इसके साथ ही मेरा 4 o'clock लगा हुआ है, ये देखिए। तो ये भी देखिए बहुत अच्छा हो रखा है, अभी फूल इसमें भी नहीं निकला है अच्छी तरीके से। यहीं पे मेरा मनी प्लांट है, ये देखिए ऊपर तक मेरा मनी प्लांट लिया हुआ है, मैंने ऊपर की तरफ को उसको सारा दे रखा है और ऊपर की तरफ से ही मेरा बहुत अच्छा हो रखा है। देखिए यहाँ से नीचे से मेरा लगा हुआ है और यहीं से मेरा ऊपर की तरफ को ये जा रहा है पूरा ऊपर की तरफ को, देखिए। और यहीं पे मेरे जीनिया है, ये देखिए ये जीनिया के फ्लावर मेरे निकले हुए हैं। यहाँ पे देखिए कलियाँ बनी हुई हैं छोटी छोटी और ऐसे सूखे सूखे हमारे ऐसे डाल देते हैं तो नए इसके नए पौधे तैयार हो जाते हैं। मैं दिखाऊंगी अभी आपको मेरे नए पौधे इसके तैयार हो रखे हैं, ये देखिए ये कलियाँ बनी हुई हैं, ये कल सवेरे तक आराम से खिल जाएंगी। यहीं पे है मेरा इंग्लिश आईवी, ये देखिए ये बहुत सुंदर लग रहा है, ये देखिए इसको भी हैंगिंग बास्केट में मैंने लगा रखा है, ये मैं लेके आई थी नर्सरी से। देखिए पूरा ऐसे नीचे इस तरीके से पूरा लटकता है ये। साथ में मैंने यहाँ पर एक तुलसी का पौधा लगा रखे हैं और तुलसी के लिए मैंने एक अलग से मैंने एक गमला खरीदा हुआ है, ये देखिए जिसमें ये देखिए इसमें मैंने तुलसियाँ लगा रखी हैं, श्यामा और रामा तुलसी दोनों के दोनों साथ हैं, ये देखिए। इसमें ही मैंने ये गमला मैंने इसके अलग से लगा रखा है, ये देखिए। और यहाँ पर देखो दिया जलाने के लिए बनाया हुआ है, इसमें भी दिया जलाएंगे जैसे शाम के टाइम पर पूजा करते हैं तुलसी माँ की, तो यहाँ पे ये दिया भी दे रखा है यहाँ पे पूजा करने के लिए। और इसमें लिखा है शुभ लाभ, देखिए बहुत सुंदर गमला है। ये यहीं पे ही मैक्सिमम पेटूनिया की ये कटिंग से नहीं, ये बीज गिर गया था उसी से ये इसमें हो रखा है, ये देखिए। तो ये मैंने छोटे ही इसमें ही रखा हुआ है, इसी में गिर गया था बीज तो इसी में मेरा ये हो गया। साथ में है पत्थर चट्टा का पौधा, ये देखिए ये पत्थर चट्टा है मेरा, इसमें पत्थर चट्टा का पौधा मेरा साथ में इसमें लगा हुआ है। यहीं पे मैं देख यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कैटक्स, ये देखिए। और ये ऊपर रखा होता तो बिल्ली ने नीचे गिरा दिया, इसका गमला टूट गया तो मैंने ये दूसरे उसमें ही आराम से ऐसा करके रखा हुआ है। इसमें भी पानी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, पानी ज़्यादा पानी से इसके पौधे ये कैटक्स जो होता है ये ख़राब हो जाता है, गलने लग जाता है ये। और ये इसमें देखिए कितना सुंदर तरीके से रखा है, ये देखिए ये आगे वाली बालकोनी में मेरे रखे हुए पौधे वो पौधे हैं। यहीं पे मैंने 2 गमले खरीदे हैं, ये देखिए इनको भी मैं पौधे डालूंगी इसमें लगाऊंगी। यहीं पे मेरा मिनी सन रोज है जो मैंने कटिंग से लगा रखा है और ये भी मेरा बहुत आराम से चल रहा है। तो फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। यहीं पे मेरे सैकुलेंट लगे हुए हैं, ये देखिए इनको ये पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, ज़्यादा पानी से ये भी ख़राब हो जाते हैं और बरसात का बहुत पानी गिरा तो उससे ही थोड़ा मेरा ख़राब हो गए हैं, ये देखिए। और यहीं पे देखिए मेरी हैंगिंग बास्केट में, ये देखिए कितनी अच्छी बेल मेरी चल रही है यहाँ पर, ये देखिए पूरा नीचे तक इसने पूरा नीचे तक कवर कर लिया, ये देखिए। इसी के साथ मैं आपको दिखाती हूँ और आगे यहीं पर मेरी तुलसी है, यहीं पे मैं दिखाती हूँ आपको गुड़ल, ये देखिए। और इसमें बनी हुई है कली, ये देखिए अब इसमें निकलने लग गए हैं, ये पर्पल कलर वाला जो होता है ना गुड़ल, वही वाला गुड़ल का पौधा है मेरा ये, इसमें अब कली निकली है तो अब कलियाँ इसमें भी निकलने लग गई तो अब फूल इसमें बनेगा, देखिए ये दिखाती हूँ मैं कली। यहीं पर मेरी डबल पैटर्न की चांदनी है, ये आगे एक ही बालकोनी है मेरा है, ये देखिए इसमें अभी फूल नहीं है, वह फूल खिलते हैं इसमें डबल पैटर्न का हमारी चांदनी निकलती है। साथ में ही मैंने देखिए सिंगल पैटर्न वाला भी इसके साथ में ही है, ये देखिए कि चांदनी है, ये देखिए बहुत सुंदर है। यहीं पे मेरा दूसरा एक गुड़ल रखा हुआ है, ये भी मैंने जो हमारे घर गलियों में हमारे माली भैया आते हैं ना उनसे मैंने ये लिया था, ये देखिए। तो इसमें भी अभी कोई फूल वूल तो कुछ नहीं निकला ही नहीं है और देखिए मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है तो पत्ते इस तरीके से हो रखे हैं इसके। यहीं पे मेरा बैंगन का पौधा लगा हुआ है, अरे देखिए इसमें बैंगन, ये देखिए बैंगन आ रखे हैं 2, ये देखिए। और इसमें मिट्टी देखिए कितनी सूख रखी है, पानी कमी हो रखी है इसमें मिट्टी में, मेरा लगी हुई है पैर में, ये देखिए प्लास्टर मेरा लगा हुआ है, ये देखिए। तो इस वजह से मैं पानी भी कम डाल रही हूँ इसमें, बच्चों को बोलती हूँ तो वो किसी किसी पौधे में डालते हैं और किसी में नहीं डालते पानी, तो इसी तरीके से मेरे पौधे भी ऐसे ही हो रखे हैं। मेरे को
चलने के लिए थोड़ा मना किया हुआ है डॉक्टर ने। और यहीं पे देखिए मेरी अपराजिता की बेल जा रही है सारी की सारी ऊपर को। देखिए यहीं पे मेरा दूसरा गुड़ल है, अभी गुड़ल में कोई फूल नहीं निकले हुए, इसमें ये हाईब्रिड वाला है गुड़ल, इसमें खूब बड़ा वाला हमारा ऑरेंज कलर का गुड़ल निकलता है। यहीं पे मेरे कोलियस हैं, ये देखिए साथ में तुलसी भी साथ साथ चल रही हैं। यहीं पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये मैं वाइट कलर का मेरा ये गुलाब का पौधा, और उसके पत्ते देखिए कैसे हो गए हैं, देखिए पत्ते सारे छन्नी छन्नी हो रखे हैं। इसमें भी मेरे को नीम ऑयल का स्प्रे करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो कलियाँ मेरी बनी थी मैं उनको हटा लेती हूँ। ये देखिए यहीं पे मेरी इसकी बेल है, ये देखिए इसमें येलो कलर के छोटे छोटे फूल निकलते हैं, ग्राउंड को कवर करने का काम आता है, और हैंगिंग बास्केट में भी बहुत अच्छे तरीके से चलता है। ये देखिए यहीं पे मेरी देखिए जीनिया की है मेरे पौधे, जो मेरे फूल डाले थे मैंने उसी से मेरे ये पौधे तैयार हो रखे हैं। ये देखिए जीनिया के, यहीं पे मेरा वाइट वाला बैंगन है जिसमें वाइट बैंगन आता है उसके पौधा है। यहीं पे रेन लिली है, और मैंने सारे इसके पत्ते काट दिए हैं। ये देखिए रेन लिली के, तो कहते हैं कि रेन लिली के पत्ते हटा दो नहीं तो फूल बहुत कम बनता है, इसीलिए मैंने इसके सारे के सारे पौधों के से ये पत्तियाँ लीव्स सारी हटा दी हैं। ये देखिए, और इसमें फूल ये बना था एक, ये भी मुरझा गया, इसको भी मैं हटा दूँगी। ये देखिए मैंने इसको भी हटा दिया है। यहीं पर मैं आपको आगे लेके चलती हूँ, ये मेरी बाहर की तरफ को है यहाँ पर। ये देखिए मेरे बडेलिया की, ये देखिए बेल बाहर तक कितनी लटकी हुई है, ये देखिए पूरे ज़मीन को टच कर लिया इसने बेल ने, ये देखिए पूरी देखिए, और दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं हैंगिंग बास्केट में। देखिए ये आगे का है, यहाँ पे मेरा ये भी गुड़हल है, ये देखिए इसमें छोटे छोटे फूल निकलते हैं गुड़हल के, ये देखिए। ये आगे के बाल को दिखा रहे हैं, और यहीं पर मैंने लगा रखा है सैजन का, अपना की कटिंग लगाई थी, और देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारा सैजन हो गया। ये देखिए कि पत्ते देखिए कितने सुंदर इसके हो रखे हैं, इसके पत्ते फूल और इसके जो हम इसमें ड्रम स्टिक निकलती है सबकी सब्जी बनती है, बहुत टेस्टी होती है। ये देखिए यहीं पे 9 o'clock है, ये देखिए वो सॉरी 4 o'clock की देखिए, ये फूल इसमें निकला नहीं है, पौधे भी ख़राब से होने लग गए हैं, जो पानी नहीं है यहाँ पर। ये यहाँ पर हाईब्रिड मैक्सिमम पेटूनिया का है ये पौधा, ये देखिए इसमें फूल बना होता है सुबह के टाइम पे, और इस टाइम पे इसमें फूल बंद हो चुका है। यहीं पे मेरा एक दूसरा गुड़हल का पौधा है, ये देखिए यहीं पे ही मेरी चंपा है, ये देखिए, और चंपा में देखिए फूल कितना अच्छा लगा हुआ है, ये देखिए फूल बने हुए हैं। यहीं पर मेरा आम का पेड़ है, इसमें देखिए जो नए नए पत्ते हैं देखिए किस तरीके से निकले हुए हैं, इसमें रेड कलर के पत्ते निकले हुए हैं, और ऊपर से जब बड़े बड़े हो जाते हैं तो ये फिर ग्रीन कलर के पत्ते जाते हैं। देखिए ये आम का पौधा भी मेरा बहुत सुंदर हो रखा है, और यहीं पे है मेरी अपराजिता का, ये देखिए। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो अब करती हूँ समाप्त। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरी वीडियो को। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, नमस्कार।